हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जीनल शाह। वेलकम टू स्वस्तिक एकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। टुडे इज़ अ टाइम टू लर्न द सप्लीमेंट्री रीडिंग ऑफ 10th स्टैंडर्ड। यू हैव बीन प्रोवाइडेड अ सेपरेट बुक फॉर द सप्लीमेंट्री रीडिंग। द नेम ऑफ द बुक इज फुटप्रिंट विदाउट फीट। इट लुक्स लाइक समथिंग दिस। सो now we have to learn the lesson from this book only. So today the other book is also very important. You have two books in your syllabus. As I mentioned earlier in our first video, you have first book, that is the normal book that we did 4 or 5 chapters in that. And then this is the second book, that is Footprint Without Feet. So you have to learn both the books. So today we will learn the first lesson of our supplementary reading, that is the Trimp of Surgery. Trimp yani success. Ek surgery kaise successful hui uske bare mein is chapter mein aapko bataya hai. The lesson is written by James Herriot. He is a well-known writer. So let's see what happens. It's a funny comedy story. Let's see what happened in the story. I was really worried about Tricky this time. मुझे Tricky के बारे में बहुत चिंता हो रही थी इस वक्त. I had pulled my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. मैंने जब अपनी कार रोकी तब वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ जा रहा था. मिस्ट्रेस यानी मालकिन. तो वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ जा रहा था और मुझे उस वक्त उसका अपीयरेंस देखकर बहुत धक्का लगा, बहुत शॉक लगा. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. वो बहुत बड़ा हो चुका था. लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, एक फूले हुए सॉसेज की तरह फूल गया था. विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, उसके लेग हर कॉर्नर में थे, फैल गए थे उसके लेग भी. हिज आईज ब्लड शू एंड रमी, उसकी आंखें वो कभी लाल पड़ जाती है ना खून से, तो लाल हो गई थी. और रमी यानी वाटरी, पानी वाली, पानी निकल रहा था उसकी आंखों में से. स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल फ्रॉम हिज जो, वो सीधा ही देखता रहता था, घूरता रहता था, और उसकी जो जबान थी वो वहाँ उसके जॉ से, उसके दांतों से वहाँ पे हैंग हो रही थी, ऐसे ही लटक रही थी. मिसेस प्रम्फी हैसन टू एक्सप्लेन, उसकी जो मालकिन थी, मिस्ट्रेस अभी हमने बोला, वो मिसेस प्रम्फी थी. मिसेस प्रम्फी हैसन टू एक्सप्लेन, वो डरते डरते डर रही थी एक्सप्लेन करने से. He was so listless. उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है. मिस्टर हैरियट, उन्होंने कहा कि ये इसके साथ क्या हो रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है. मिस्टर हैरियट, हैरियट डॉक्टर है, ठीक है, और Tricky जो है वो डॉग है. तो डॉग रास्ते पे अपने मिस्ट्रेस के साथ जा रहा था जब डॉक्टर ने उसको देखा. एनिमल डॉक्टर है, वेट है वो. तो उन्होंने देखा कि अरे यार, ये कुत्ते की हालत तो बहुत ख़राब हो गई है, एकदम मोटा हो गया है, उसकी जबान लटक रही है बिल्कुल, उसकी आंखें लाल हो गई है, पानी निकल रहा है, तो उसकी हालत बहुत ख़राब है. जब डॉक्टर ने, मिस्टर हैरियट ने पूछा होगा, तो मिसेस प्रम्फी ने कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है. ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि उसमें कोई एनर्जी रही नहीं है. डॉग्स में बहुत एनर्जी होती है, पर उसके में कोई एनर्जी नहीं थी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें न्यूट्रिशन की शायद कमी हो गई होगी. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्रा बिटवीन द मील्स टू बिल्ड हिम अप सम माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप. नथिंग मच रियली. तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो गई होगी, इसलिए उसकी एनर्जी कम हो गई है.
तो इसीलिए मैंने उसको ज़्यादा ज़्यादा खाना देना शुरू कर दिया है। मैं उसको कॉड लिवर ऑयल दे रही हूँ, मैं उसको हॉर्लिक्स से भरा हुआ बाउल दे रही हूँ रात को, तो मैं उसको ज़्यादा खाना खिला रही हूँ ताकि उसकी एनर्जी वापस आ जाए। एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? मैंने आपको मना किया था कि इसको मीठा मत देना, क्या आपने वो बंद किया? ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रिलर्न। हाँ मैंने थोड़े दिनों के लिए रोका था, उसका मीठा खाना बंद किया था, पर फिर वो इतना बेचारा वैसा हो गया ना, वीक हो गया कि फिर मुझे रिलेंट करना पड़ा, यानी अपनी जो आदत थी उसको वापस लानी पड़ी, उसको फिर से मैं कमज़ोर पड़ गई और उसको फिर से स्वीट देने लगी। ही डज लव आइसक्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। उसे तो चॉकलेट और आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मैं उसको मना कैसे करूँ कि नहीं खातूँ। आई लुक डाउन अगेन एट लिटल डॉग, मैंने फिर से उस लिटल डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, वहाँ पे मुसीबत शुरू हुई। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का एक ही गलती थी, ट्रिकी डॉग का नाम है, ट्रिकी की एक ही गलती थी कि वो बहुत लालची था, जब भी खाना मिले भले भूख ना हो भले पेट भरा हुआ वो खा लेता था, तो वो बहुत ग्रीडी था, लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज द फूड, उसे फूड के लिए कभी मना करना आया ही नहीं। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, उसको दिन में रात में कभी भी खाना दे लो वो टैकल कर सकता था, वो उसको हैंडल कर सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिस प्रफी हैडन्ट मेंशन, और फिर मिसेस प्रफी ने जो जो नहीं कहा वो भी मैं सब समझ गया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उन्हें एक्सरसाइज करवा रही हो, ट्रिकी को एक्सरसाइज करवा रही हो, दौड़ने ले जा रही हो या कुछ? वेल ही हैज अ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, हाँ वो मेरे साथ थोड़ी वॉक पे आ जाता है। बट हॉटकिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विथ लंबेगो सो देर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेकिन मेरा जो माली हॉटकिन है उसको लंबेगो हो गया है, पैर में दर्द हो गया है, बीमारी हो गई उसको, डिसीज हो गया है, तो इसीलिए रिंग थ्रोइंग वाली एक्सरसाइज अब हम उसे नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि गार्डनर को आ नहीं रहा है, तो उसको कौन बार बार रिंग थ्रो करेगा उसके लिए। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी रियली इल। अब मैं एकदम गुस्से से एकदम स्ट्रिक्ट होकर बोला कि देखो अगर तुम इसका खाना कम नहीं करोगी, इसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दोगी, तो ये बहुत इल हो जाएगा, बहुत बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तुम्हें अपना दिल मजबूत कर देना पड़ेगा और उसे स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी। मिसेस प्रम्फी रंग हर हैंड्स, ओह आई विल मिसेस हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। उन्होंने अपने हाथ पर से दबाते हुए कहा कि हाँ हाँ मैं पक्का ये करूँगी, पर ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है उसके डाइट को कंट्रोल करना, मुझे ऐसा लगता है बेचारा कमज़ोर हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा ही ज़्यादा खाना खिला रही हूँ। शी सेट ऑफ, वो वहाँ से चली गई हेड डाउन, उनका सर झुकाए हुए, अलोंग द रोड पर चली गई, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिमेन इन टू द प्रैक्टिस इमीडिएटली। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि शायद वो घर जाकर एक नया ही रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर देगी ट्रिकी के लिए, रेजिमेन यानी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट एंड ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स फ्रॉम द कोल्ड वेदर टू अ रेन कोट फॉर वेट डेज। मैंने उन लोगों की प्रोसेस को बढ़ते हुए देखा, मैंने देखा कि ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, मैंने देखा कि जब वो दोनों जा रहे थे ट्रिकी ने जो कोट पहना था उसमें वो लड़खड़ा के चल रहा था डॉग, टॉन्टरिंग यानी लड़खड़ाना, तो ट्वीट कोट यानी मोटा सा कोट,
उसको मोटा सा कोट पहना दिया था, उसमें वो लड़खड़ा रहा था। He had a whole wardrobe of this coats. उसके पास पूरा वार्ड्रोब भरा हुआ है ऐसे कोट से। For the cold weather and a raincoat for wet days. ठंडी के लिए अलग कोट थे उसके पास, रेनकोट भी थे जब बारिश हो उसके लिए। He struggled on, drooping in his harness. उसकी जो हार्नेस उसको बांधी गई थी गले में पट्टा, और वो बॉडी पे भी पट्टा वगैरह होता है, तो वो जो हार्नेस बांधी गई थी उससे उसको चलने में काफ़ी स्ट्रगल हो रही थी। आई थॉट इट वुडन बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस क्रम्फी। मुझे लग ही रहा था कि जैसे ही ये लोग घर जाएंगे शायद मुझे कॉल करेंगे और बोलेंगे कि मेरा डॉग बीमार हो गया है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। थोड़े ही दिनों में वो कॉल आ गया जिसकी राह देख रहा था मैं। मिसेस क्रम्फी वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस क्रम्फी फोन पर बहुत ही टेंशन में लग रही थी, डिस्ट्रॉट यानी टेंशन में। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, उन्होंने कहा कि ट्रिकी कुछ खाना नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। उसने अपना फेवरेट खाना खाना भी छोड़ दिया है, उसको वॉमिटिंग हो रही है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग। वो पूरा दिन अपनी रग पे चटाई पे बैठा रहता है। पेंटिंग यानी जोर जोर से सांस ले रहा है। डिडन वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, उसे वॉक पे भी नहीं जाना है। डिडन वॉन्ट टू डू एनीथिंग, उसे कुछ नहीं करना है, बस वहीं पड़े रहना है। आई हैड मेड मैनी प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। मैंने अपना प्लान पहले ही दिमाग में बना लिया था, मुझे पता था कि अगर ट्रिकी को ठीक करना है तो उसे उस घर से बाहर निकालना पड़ेगा थोड़े समय के लिए, फॉर अ पीरियड। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने मिसेस क्रम्फी को कहा कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा 15 दिनों के लिए और उसे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वूंड। पुअर लेडी बहुत ही उदास हो गई ये सुनकर, बहुत घबरा गई। शी वॉज श्योर ही वॉज पाइन एंड डाई इफ ही डिडन सी हर एवरी डे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने पेट डॉग ट्रिकी को अगर रोज नहीं देखेगी तो वो खुद मर जाएगी, क्योंकि उन दोनों में इतना प्यार था। बट आई टुक अ फॉर्म लाइन, लेकिन मैंने तो डिसीजन ले लिया था कि भाई ट्रिकी को यहाँ भेजो तो ही मैं ठीक करूँगा उसे। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक तरीका बचा था उसको बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाई मिसिस क्रम्फीज बेली। और मैंने तो ये तक सोच लिया कि उसको जितनी जल्दी हो सके यहाँ बुला लूँ, और मैंने देखा कि मिसिस क्रम्फी वेलिंग कर रही है, क्राई कर रही है, रो रही है। I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a basket. Sorry, blanket. मैंने वो छोटे से कुत्ते को ब्लैंकेट में रैप करके मैं घर के बाहर निकल रहा था। डॉक्टर खुद गए थे डॉग को लेने के लिए। The entire staff was roused and the maid rushed in out bringing his bed, day bed, night bed, favorite cushion, toys, rubber rings, baskets, breakfast. ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। और जब मैं उस कुत्ते को लेने गया उनके घर पर तो सभी नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे उसकी चीज़ों को ले आने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल जा रहा है तो हॉस्पिटल में तो उसको अपनी सारी चीज़ें चाहिए। उसका ब्रेकफास्ट बाउल चाहिए, डिनर बाउल चाहिए, सपर बाउल चाहिए, हर एक के लिए अलग अलग उन्होंने बाउल रखे थे। उसके बेड अलग अलग थे, डे टाइम बेड, नाइट टाइम बेड। तो ये सारी चीज़ें लाने के लिए उनका स्टाफ इधर उधर भागा दौड़ी कर रहा था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ, मुझे लगा कि मेरी कार में इतना सारा सामान आएगा नहीं। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसिस क्रम्फी विथ अ डिस्पायरिंग क्राई थ्रू एन ऑफुल ऑफ अ लिटल कोट्स थ्रू द विंडो। जैसे ही मैंने कार चलाना शुरू किया, रोते रोते मिसिस क्रम्फी ने एक बड़ा सा कोट मेरी कार के अंदर डाल दिया, बोले इसको भी ले जाओ। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव।
मैंने मिरर में देखा मैं कॉर्नर पे मुड़ जाऊँ उससे पहले. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सब लोग रो रहे थे मैंने देखा. आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैप्टिक लिटल एनिमल गैसपिंग ऑन द सीट बाय माय साइड. जब मैं रोड पर कार ड्राइव कर रहा था तो मैंने देखा कि ये जो मेरे बाजू में जो बेचारा छोटा सा कुत्ता पड़ा है लिटिल डॉग, वो बेचारा जोर जोर से सांस ले रहा है, गैसपिंग यानी जोर से सांस लेना. आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल. जब मैंने उसको सर पे थपथपाया तो बहुत मुश्किल से वो अपनी टेल को हिला पाया. पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बूढ़ा कुत्ता. आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. तुम में इतनी भी ताकत नहीं बची है कि तुम्हें किक कर सको, तुम्हारे अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं है, बिल्कुल ताकत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें ठीक कैसे करना है. तो इस तरह से ये जो जो डॉक्टर है वो उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं. आगे का जो चैप्टर है वो हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि डॉक्टर ने इस ट्रिकी की सर्जरी कैसे की, उसे ठीक कैसे किया. तब तक के लिए घर पर रहिए और हेल्दी रहिए और कोरोना से बचते रहिए. थैंक यू.